वांटेड हमने किया। सिचुएशन मेक एंड अनवांटेड में क्या था कि जो चीज उनको चाहिए कंपनी वालों को वो अपनी मेंशन करते हैं कि हमें यही रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और वांटेड के अंदर हम क्या डालेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, हमें कौन से किस तरीके की जॉब चाहिए, हमें क्या चीज जो है वो इस तरीके से चाहिए, वो वांटेड के अंदर आता है। नाउ से कोई भी चीज अगर हम बेचना चाह रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम खरीदना चाह रहे हैं, सेल एंड परचेज दोनों के लिए क्या होता है, हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम परचेज में डालेंगे और सेल के अंदर क्या है कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं दूसरों को, राइट। सपोज आप कोई फ्लैट जो है वो बेचना चाह रहे हैं सेल के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वहां पर कितने रूम्स है, ठीक है, बालकनी है, लॉबी एरिया है, पार्किंग स्पेस है, अटैच बाथरूम है हर रूम के साथ, राइट, गार्डन है, फ्रंट व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, और वेल फर्निश है, मतलब आपने वहां पर सारा काम करवा रखा है, जो भी वहां पर मूव ऑन करेगा दे डू नॉट हैव टू ब्रिंग समथिंग, सिर्फ अपने जो चीज संभाल ला सकते हैं, बाकी आप पूरा जो आपका फ्लैट है वेल फर्निश है और आप उसको कंप्लीट जो है उसी उसपे बेचना चाह रहे हो, राइट। कहाँ लोकेलिटी है, वेदर इट इज इन अ पोश एरिया और इन रूरल एरिया, किस तरीके की जगह पर है वो, देन ये मेंशन करेंगे कि आप उसकी कितनी कीमत जो है वो लगाना चाह रहे हैं, राइट, कॉस्ट कितना आप उसके लिए एक्सपेक्ट करते हो कि जो खरीदने वाला है उसको कितने पे करने पड़ेंगे, वो चीजें आप उसके अंदर मेंशन करो, राइट। लोकेलिटी भी बहुत मैटर करती है, हम देखते हैं कि जो चीजें क्या होती है थोड़ा सा अलग होती है, मतलब ज्यादा वहां पर भीड़ भाड़ नहीं होती, आइसोलेट जगह पे होते हैं, ठीक है, और हर चीज की फैसिलिटी बहुत दूर है वहां से, तो वहां की कीमत थोड़ी सी कम होती है, और जो पोश एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पर हर चीज आपको अवेलेबल हो जाए और अच्छी सोसाइटी हो वहां पर, तो उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी के ऊपर वो पब्लिश कर रहे हो, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड हाउ टू सेल एनीथिंग, किसी भी चीज को हमें बेचना है तो हम उसको किस तरीके से क्या क्या चीजें उसके अंदर मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग वुड बी देयर फॉर सेल, इट शुड बी इन कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे हम, बाकी तो फिर हमारा स्मॉल में सारा चलेगा बॉडी, बस ये हेडिंग है आपको कैपिटलाइज करनी है। देन शुरुआत हमने सपोज वी वांटेड टू सेल आवर हाउस, हमें एक घर बेचना है, वन सेकेंड, then available flat, right, मैंने शुरुआत available से की है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, right, 3 BHK flat, और कौन सा है हमसे वो चीजें mention कर देते, कौन से फ्लोर के ऊपर है ताकि हमें अलग से ना मेंशन करना पड़े, ग्राउंड फ्लोर, फ्लैट, राइट, ग्राउंड फ्लोर पे वो फ्लैट, हमें उसकी पहले से ये लोकेशन जो है वो डालनी पड़ेगी कि वो कौन से फ्लोर के ऊपर आ रहा है, अगर हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे ना तो हमें भी डालना पड़ेगा इट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, और अगर हम इस तरीके से उसके अंदर अलग से मेंशन करेंगे तो हमारे सेंटेंस लेंथी होते जाएंगे, फिर हमारे एडवर्टाइजमेंट का जो वर्ड लिमिट है वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, तो हमें सिर्फ लिमिटेड वर्ड जो है वो डाल है, 3 BHK ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, कहां पर है, इन अ पोश एरिया, मतलब लोकेलिटी जो है वो भी काफी अच्छी है, पोश एरिया मतलब वहां जहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए और जहां की सोसाइटी मतलब रहने सहने का तरीका जो वो काफी अच्छा हो, मतलब आप एक अच्छी जो है बिल्ड कर सकते हो पर्सनालिटी, इस तरीके का एरिया होता है जहां पर आप अच्छे से रह सकते हो, देन पोश एरिया या कहां पर है, इन साउथ दिल्ली, अब हम जगह है जहां पर भी वो फ्लैट है वो जगह मेंशन करेंगे, देन attach
बाथरूम्स हर रूम के साथ क्या है, बाथरूम्स अटैच है, राइट। हम इसके साथ कॉमास लगा के साथ चीजें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम हर सेंटेंस को अलग से ऐड करेंगे कि इतने उसके अंदर रूम्स है, इतने उनके साथ अटैच बाथरूम है, तो क्या होगा, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी लेंथ काफी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ कॉमा लगा लगा के आगे जो भी उसकी क्वालिटी जो जो चीजें उसके अंदर है वो मेंशन करते जाएंगे। सो अटैच बाथरूम्स and dining room one second haan ji so drawing and dining with modular kitchen right well ventilated क्योंकि ज्यादा क्या होता है कंजस्टेड होता है तो वेंटिलेशन जो है वो नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा फ्लैट है तो क्या पता उसमें वेंटिलेशन ठीक से है या नहीं है, क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो हम ये चीजें उसके अंदर पहले से मेंशन करेंगे कि अच्छा उसमें वेंटिलेशन है, वेल फर्निश्ड है, कार पार्किंग अवेलेबल, ये सारी चीजें हम उसके अंदर मेंशन करेंगे जो जहां पर भी वो है अगर ये चीज उसमें है तो, राइट। बट इट वुड बी करेक्ट, सही होना चाहिए, जो भी चीजें आप बेच रहे हो उसके बारे में कुछ क्वालिटी जो है जो आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी उस चीज को देखने के लिए आएगा, सपोज हमने इस फ्लैट की ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है अपने फ्लैट की, और उस फ्लैट को कोई देखने के लिए आया वो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं मिले, मतलब है ही नहीं ये सारी चीजें, तो क्या होगा, वो क्या होगा, झूठ हो जाएगा। तो हमें जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डालनी पड़ती है, राइट। अब ये तो क्या है, हम एग्जामिनेशन पर्पज के लिए लिखते हैं, तो आप उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन कर सकते, ठीक है। जब भी किसी फ्लैट को बेचने के लिए या फिर किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट लिखनी पड़े, किसी एरिया को आपको सेल करना है तो आप इस तरीके से उसके अंदर घर को सेल करना है, तो ये सारी चीजें आप उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड वेल वेंटिलेटेड, वेल फर्निश्ड, कार पार्किंग अवेलेबल, राइट। और क्या क्या फैसिलिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए, वाटर की चाहिए, तो हम वो चीजें भी इसके अंदर मेंशन करेंगे 24 आवर्स, and water facility, यानी कि 24 घंटे आपको पानी और बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज मैंने इसे मेंशन की है जो मेरे फ्लैट के अंदर है, और अगर कोई खरीदना चाहेगा तो पहले इन सारी क्वालिटीज को देखेगा, हाँ ये चीजें उसके अंदर है। उसके अलावा अगर और भी कुछ आप मेंशन करना चाहते हो, देयर इज अ ब्यूटीफुल बालकनी व्यू फ्रॉम आउटसाइड, अगर है कुछ एरिया में ऐसा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी क्वालिटीज इसमें डाली जाती है फॉर सेल, हम वहां पर अपने प्रोडक्ट की यानी कि अपनी जो भी हमारी चीज है उसकी क्वालिटीज मेंशन कर रहे हैं। आफ्टर दिस प्राइस कई बार क्या होता है ऊपर नीचे भी हो जाता है, जब तक किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो बेचने की, जरूरत ज्यादा नीड हो, राइट, या फिर सामने वाले को देखकर भी कई बार हम सोचते हैं कि चलो इतना कर देते हैं, तो वो प्राइस नेगोशिएबल रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइस डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते, अगर न्यूज में प्राइस डिस्क्लोज करते इसका मतलब क्या है कि सोचेंगे बहुत महंगा है, राइट, तो क्या पता इतने कस्टमर्स आए या ना आए लेने के लिए, तो हम उस पे नेगोशिएबल डाल देते हैं, राइट। उसके बाद हम कौन सी लाइन मेंशन करेंगे, जो इंटरेस्टेड है, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड कैन कांटेक्ट, और वहां पर आपका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, राइट। तो ये चीजें हम मेंशन करेंगे।
एक चीज और जरूरी जो आपको मेंशन करनी होती है कि उस चीज को बेचने का कारण क्या, रीजन क्या, राइट। सपोज इस घर को कोई बेचना चाह रहा है क्योंकि ऑनर कहीं और शिफ्ट हो गए, दे आर शिफ्टिंग इन अनदर सिटी, राइट, दे हैव टेकन अनदर हाउस, राइट, या फिर दे आर गोइंग टू अब्रोड, कहीं बाहर जा रहे हैं। तो जो भी चीजें वो बेचना चाह रहे हैं उसका एक रीजन हमें मेंशन करना पड़ता है। सपोज आप कार सेल करना चाह रहे हो तो आपको रीजन देना पड़ेगा दैट यू आर परचेजिंग अ न्यू वन, कि हमें नई चाहिए गाड़ी तो इसलिए हम पुरानी बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रीजन आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि भाई कारण क्या है, अगर वो इतनी अच्छी लोकेशन पे है तो आप क्यों बेच रहे हो, क्या रीजन है, बताना पड़ेगा भाई ये रीजन है इसलिए हमें बेचना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ऑनर है वो कहाँ जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग द फ्लैट। इसके बाद कांटेक्ट, भाई किससे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट के अंदर उस पर्सन का नाम जो उस फ्लैट का ऑनर है उससे आप उसका आप मेंशन करोगे, यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो। कांटेक्ट नंबर, और जहां वो है आशुभी, आपने एड्रेस दे दिया पूरा, देन मोबाइल नंबर दिस जो भी है, और ईमेल डाल सकते हो, जरूरी भी नहीं है, यहाँ तक भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फोन नंबर और मोबाइल नंबर लगा गया, ईमेल यहाँ पे चॉइस हो, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिनिश होता है, इसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप चाहो तो एक आध लाइन और ऐड कर सकते हो उस फ्लैट के बारे में, अगर जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल मतलब सोसाइटी में है तो क्या आप वहां पर हॉस्पिटल्स हो, नियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसके पास है, मॉल्स है, राइट। तो ये चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हो जब भी आप किसी घर के लिए लिखते हो, फॉर सेल अगर किसी हाउस से रिलेटेड हो तो आप ये सारी चीजों के साथ साथ एक तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो सी एरियाज में होते हैं, हम देखते हैं ना जो फ्रंट व्यू सामने आपको सी दिखेगा, समुद्र दिखेगा, तो वो क्या है उसकी एक और अच्छी क्वालिटी जो आप मेंशन कर सकते हो। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहो फॉर सेल, आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो अच्छी लगे, भाई फ्लैट के अंदर ये चीजें अच्छी है आप वो मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका फोर सेल का एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, फोर एनी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के लिए। और अगर किसी व्हीकल के लिए लिखना पड़े, सपोज यू वांट टू राइट अ एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग एनी व्हीकल, तो उसके अंदर क्या क्या मेंशन करेंगे, कितना वो रन हुआ है, मतलब कितना आपने उसको यूज किया, फॉर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल हो गए हैं, मॉडल उसका कौन सा मॉडल है, राइट, एंड इन गुड कंडीशन, मतलब अब कंडीशन कैसी है, फिलहाल आप उसको बेच रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कुछ खराब हो रखा है इसलिए आप बेच रहे हो, नहीं, इन गुड कंडीशन ये आपको बताना है, और रनिंग है वो अभी चल ही रही है। फिर उसके बाद आपको रीजन देना है, देन व्हाई यू वांट टू सेल द व्हीकल, क्यों बेचना चाह रहे हो, बिकॉज वी वॉन्टेड टू परचेज अ न्यू वन, राइट, और वी वांट अ बिग वन, हमें बड़ी चाहिए गाड़ी। तो ये सब चीजें क्या है उसके अंदर आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद लास्ट में आपका वही फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपका एड्रेस कि कहाँ पर है वो। तो ये चीजें किसके अंदर आ रही हैं, फोर सेल, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की अपनी थिंग्स की सारी क्वालिटीज मेंशन करो, राइट। जब हमें खरीदना होता है वी वांट टू परचेज, फोर परचेज होता है, सेल की जगह हमें परचेज करना है, तो वहां पर क्या होगा, जो चीज हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो वो चीज सेल की जगह परचेज है, सो हम क्या मेंशन करेंगे, वांटेड, चाहिए हमें, अ 3 BHK ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, हमें वो चाहिए, अवेलेबल नहीं है, हमें चाहिए इन पोश एरिया में ही चाहिए, पोश लोकैलिटी के अंदर चाहिए, आप एरिया की जगह लोकैलिटी भी कर सकते हो, मतलब हमें पोश लोकैलिटी के अंदर चाहिए, एंड किसे कहाँ पर चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कहीं और चाहिए, किसी और प्लेस का नाम, रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी में चाहिए, तो वो चीज आप उसके अंदर मेंशन करोगे, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट।
मतलब 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए, देन अटैच बाथरूम्स होने चाहिए, बैल्कनी होना चाहिए, कार पार्किंग स्पेस होना चाहिए, ये चीजें हम भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर थिंग्स क्या होगी, वांटेड हमें इस तरीके का चाहिए। और रीजन आपको भी देना, आपको किस लिए चाहिए, बिकॉज उसी एरिया में क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्क प्लेस है वो उससे पास है, नजदीक है, इसलिए हमें उस एरिया में चाहिए। तो आपको जब 25 डालना है तब वो रिक्वायरमेंट डालनी दैट यू वांट, और अगर आपको सेल डालना है तो आपको वो रिक्वायरमेंट, वो चीजें मेंशन करनी है दैट इज दैट यू हैव इन योर थिंग, जो आपकी जगह में है। ठीक है, कहीं पर भी जब एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बस इतना ही होता है, वहां पर आप अपने सामान को बेच रहे हो तो उसमें अपनी क्वालिटीज बता रहे हो, दूसरी जगह पे आप खरीद रहे हो तो आपको जिस तरीके का सामान चाहिए वो लिख दिया, राइट क्लियर। सो दिस दीज आर द एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड परचेज। उसके बाद सेल परचेज इज क्लियर, वॉइस आ रही है ना मेरी, रेस्पॉन्स फॉर सेल इज क्लियर। नेक्स्ट हाँ ये याद रखना, इट शुड बी इन बॉक्स, बाद में मैंने बॉक्स को ड्रॉ किया है, डायमंड लिख दिया हमने पढ़ा है, हमने कैनल के ऊपर अटैचमेंट लिखवाई है मैंने। कैनल क्या होता है मैंने बताया था, व्हाट इज कैनल, व्हेन वी डिस्कस अबाउट एडवर्टाइजमेंट देन आई टोल्ड यू व्हाट इज कैनल, कैनल में क्या कौन से अटैचमेंट आते हैं। एनीवन कैन आंसर व्हाट यू वुड इंक्लूड इन कैनल, this is also a type of retirement, I have told you 11 type of retirements, right, in which canal is also included, no one, किसी को याद नहीं है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, right, canal का मतलब क्या होता है, about the pets, आप पेट के ऊपर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट लिखते हो, सपोज यू आर लॉस्ट योर पेट, यू वांट टू परचेज योर पेट, वो किसके अंदर आएगी, कैनल के अंदर आती है, वो एडवर्टाइजमेंट कैनल के अंदर, एनिमल्स के ऊपर, पेट्स के ऊपर लिखते हैं, तो वो कैट हो कुछ भी हो, रैबिट्स हो, वो कैनल के अंदर आती है, जहां पर आप डॉग के ऊपर लिखते हो, सपोज आपका डॉग जो है वो गुम हो गया, योर पेट इज लॉस्ट, आपको उसके ऊपर टाइम लिखनी है, तो दीज आर consider or included in canals, वो advertisement canal के अंदर आती है, means सिर्फ advertisement को पढ़ना समझना sufficient नहीं है, you should know that which type of advertisement we would write in this column, अगर ये column है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, हमने matrimonial भी किया है, matrimonial भी हमने किया है, मैट्रिमोनियल्स के अंदर क्या आता है, वी वांटेड अ ब्राइड, सुटेबल ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, या तो वाला दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, उसके ऊपर मैट्रिमोनियल्स लिखी जाती है, तो हर एक कॉलम के अंदर एड लिखने का एक अलग तरीका होता है। सिचुएशन वैकेंट और वांटेड हमने किया, सेल और परचेज हमने किया, इसी तरीके से हमें कैनल और मैट्रिमोनियल भी करने हैं, इसमें हमें किस तरीके से अटैचमेंट लिखनी होती है, अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो हमें किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखनी पड़ेगी, राइट, हमें मैंने बोला कैनल के अंदर आपके डॉग्स वगैरह की पेट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो लिखे जाते हैं वो कैनल के अंदर आते हैं। मैट्रिमोनियल मीन्स फॉर द मैरिज पर्पस, भाई आपको शादी के लिए लड़की चाहिए लड़का चाहिए तो उसके अंदर, अब इसमें तो अलग होगी ना, यहाँ पर आप उस पर्सन की क्वालिटीज लिखोगे, यहाँ पर आपको पर्सन की क्वालिटीज लिखनी है कि भाई लड़की है या फिर लड़का है, कितनी उसकी हाइट है, एंड इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है,
हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, राइट। फिर उसके बाद कास्ट भी आती है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्या है। देन समटाइम्स क्या होता है कि हमें उन सब चीजों से मैटर नहीं करता, ये भी मेंशन होता है कि ये सब चीजें मेंशन मैटर नहीं करती कि कास्ट क्या है, बट सुटेबल रूम चाहिए या ब्राइट चाहिए। तो वहां पर आप उसकी स्टडीज इंक्लूड करोगे, भाई ये स्टडी मतलब इतना उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, राइट। और उसके अलावा उनको किस तरीके का चाहिए लड़का, वो भी मेंशन करना है, या लड़की चाहिए वो भी किस तरीके की चाहिए, ये भी मेंशन करना है। ठीक है, अपनी भी डालनी है और रिक्वायरमेंट भी लिखनी है, भाई मैं ऐसा हूँ तो मुझे इस तरीके का पर्सन दूसरा चाहिए। तो मैट्रिमोनियल के अंदर ये चीजें मेंशन की जाती है, राइट, क्लियर।